के पीजी कॉलेज में आज शहीदी दिवस मनाया गया। यह शहीदी दिवस एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कॉलेज प्रधानाचार्य, अध्यापकों और विद्यार्थियों ने शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के छाया चित्रों पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एबीवीपी पदाधिकारियों ने शहीदों की शहादत को याद किया। शहीदों द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदान को स्मरण करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने का प्रण लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सभी युवाओं को शहीदों से सीख लेते हुए अपने आप को देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। एबीवीपी सोलन पीजी कॉलेज के अध्यक्ष राहुल चौहान और शिवानी सोनी ने कहा कि आज उनके द्वारा कॉलेज में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह प्रत्येक वर्ष यह दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, उन्हीं की वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि आज एनसीसी कैंडिडेट्स, विद्यार्थियों और अध्यापकों ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई अध्यक्ष राहुल चौहान, जैसे कि आप सभी को पता है 23 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराती है शहीदी दिवस पर। उसी तरह हर साल की तरह इसी साल भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 23 मार्च पे श्रद्धांजलि दे रही है शहीदों को। शिवानी सोनी, सोलन इकाई एबीवीपी की कार्यकर्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य पर हर साल एबीवीपी शहीदियों को श्रद्धांजलि देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजगुरु जी, भगत सिंह जी और सुखदेव जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसमें हमारे कॉलेज के सारे अध्यापकगण, एनसीसी ट्रुप और जितने भी छात्र वर्ष है, उन सब का सहयोग रहा है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।